गाइज आयरन मैन 3 मूवी के इस सीन में जब आयरन मैन किलियन के साथ फाइट कर रहा होता है तभी वो अपने रिपल्सर से उस पर अटैक करता है, लेकिन आयरन मैन के रिपल्सर अटैक इतने पावरफुल नहीं होते कि वो किलियन की बॉडी को डैमेज कर पाए। इसलिए आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर मूवी में अपने रिपल्सर को अपग्रेड करके इतना पावरफुल बना देता है कि जिसके अटैक से थैनोस के फेस से भी ब्लड निकलने लगता है। और इन्फिनिटी वॉर मूवी में आयरन मैन अपने सूट में एक्स्ट्रा रिपल्सर इसलिए बिल्ड करता है क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के इस सीन में हल्क सूट के रिपल्सर इतने पावरफुल नहीं होते कि वो हल्क को उसकी पोजीशन से पीछे हटा पाए। इसलिए आयरन मैन एक्स्ट्रा रिपल्सर को इन्वेंट करता है जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनसे किसी भी एक पॉइंट पर बहुत ही एक्यूरेट अटैक किया जा सकता है। ये सूट कब बनाया तुमने? नैनो टेक्नोलॉजी सही है ना?